नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस के इस खास एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम उन व्यक्तियों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिनका जो जीवन है वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है, कई चुनौतियों के बाद वो एक उपलब्धि हासिल किए हैं, और ऐसे व्यक्ति जो समाज के लिए अपना जीवन जो है कि लगा दिए हैं और उन्होंने कई संघर्षों के बाद कुछ उपलब्धियाँ हासिल की हों। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, नुक्कड़ नाट्य अभिनय संस्था के संस्थापक श्री कृष्ण कुमार मौर्य जी हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक नुक्कड़ नाट्य कला के माध्यम से लोगों को जागरूक किया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे नारी सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, कला साहित्य के क्षेत्र में हो, यहाँ तक से कि वो गवर्नमेंट के बहुत सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम में भी उन्होंने अपने नुक्कड़ नाट्य संस्था के माध्यम से अवेयरनेस का काम किया है। तो इनसे बात करने से पहले हम थोड़ा सा एक वीडियो क्लिप देखेंगे। ये कहानी है यूपी 70 की, मतलब इलाहाबाद की। यूपी पुलिस भैया, अपने पास मिलिट्री की भी है। आप हुकुम करें, बस क्या कर सकते हो तुम लोग मेरे लिए? भैया हम लोग ना बड़े गोताखोर के साथ साथ अंदर जाना ठीक है, मगर इस उम्र में ऊपर जाना ठीक नहीं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस में। तो सर, ये जो आपने अपने संस्था का नाम रखा है नुक्कड़ नाट्य अभिनय संस्था, हालांकि आप नुक्कड़ नाटक करते हैं, लेकिन इस नाम के पीछे क्या राज है, क्यों आपने यही नाम चुना? कभी कभी हम जब लक्ष्य डिसाइड करते हैं कि हम पहले से तय पे हैं कि हमें काम करना है नुक्कड़ के लिए, और हमने नाम ही रख दिया नुक्कड़ नाट्य अभिनय संस्थान, और हमारा लक्ष्य पहले से तय था कि हम नुक्कड़ नाटक को लेकर काम करेंगे, क्योंकि कला में लोक नाट्य है, रंगमंच थिएटर है, पश्चिमी रंगमंच है, आधुनिक रंगमंच है, और ढेर सारे शास्त्रीय रंगमंच है, ढेर सारे अलग अलग उसके टाइप्स हैं, जिसमें मैं नुक्कड़ नाटक पे काम करना चाहता हूँ, इसलिए हमने नुक्कड़ नाटक नाट्य अभिनय संस्थान इसका नाम रखा हुआ। तो नुक्कड़ नाटक का जो कला आपके अंदर आया, क्या वो बचपन से ही था या इसके लिए आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया था? कई कलाएं हमारे अंदर नैसर्गिक होती हैं, और उसको पहचानना वो एक समय के बाद आता है जब ऐसा कोई काम आता है। तो जब मैं अपने गांव में था उस दौरान हमारे घर में पहले ही माहौल थोड़ा सा था, क्योंकि बहनें भी गाती थी, पिताजी भी बहुत अच्छे गाते हैं, खासकर भजन वगैरह। तो एक संस्था थी हमारे यहाँ आर्थिक अनुसंधान केंद्र, वो हमारे गांव में आके कैंप लगाती थी और बच्चों को बाल संरक्षण पे जानकारी देती थी। उसी दौरान मैं संस्था में प्रवेश किया, जानता नहीं था नुक्कड़ क्या होता है। उन्होंने गोली बनाई और लोगों को बाल जो मौलिक अधिकारों के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताना था गाँव को, और मैंने उसमें करना शुरू किया। और उसके बाद फिर वहां से छूटा, फिर इलाहाबाद पढ़ाई करने आया मिर्जापुर से मैं यहाँ पे, फिर कई साल तक पढ़ाई किया। और अचानक फिर मुझे लगा कि एक दोस्त ने कहा तुम एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो, कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छा करता था यहाँ, और एक स्कूल में चार नाटकों में अलग अलग पात्र करता था, और हर टीचर चाहता था कि मेरे में कृष्ण कुमार मौर्य रहे, और मैं सबको बताता था केवल आप में हूँ, मैं रहता सबके नाटक में था। मैं वो जो लास्ट दिन परफॉर्मेंस होती थी सबके सबके नाटक में दिखता था, तो कई टीचर गुस्सा हो जाते थे। उसी दौरान एक दोस्त ने, राहुल नाम है उनका, इस समय यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने कहा यार तुम एक्टर बनने की कोशिश करो, मतलब तुम हो और थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके काम करो। तो मैंने इलाहाबाद के कई ग्रुप ज्वाइन किए, और ग्रुप ज्वाइन करने बाद कई साल नाटक किया,
और नाटक के बाद मुझे लगने लगा कि आखिर नाटक क्यों होता है, तो पता चला कि लोगों को समाज को जागरूक करने के लिए। तो मुझे लगा इस नाटक के पूरे फॉर्मेट एक नुक्कड़ नाटक ही है, जो सबसे सशक्त माध्यम है, जो लोगों के पास जा सकता है, उनकी भाषा में उन्हें संवाद करता है, वो भी उनके सम्मुख होकर उनके पास में। तो फिर मैं डिसाइड किया और मैंने एक संस्था खोली, नुक्कड़ नाटक अभिनय संस्थान, और इसी पे काम करना शुरू किया। जी तो मोरे जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने अभी तक कितने नुक्कड़ नाटक किए हैं? गिनती तो नहीं है सर, 5,000 से ज्यादा नुक्कड़ नाटक प्रस्तुतियां मैं कर चुका हूंगा, और इसका लेखन निर्देशन भी काफी हद तक मुझे लगता है 200-250 का लेखन हो चुका होगा और उतना ही निर्देशन हो चुका होगा। एक किस टाइप के आप नुक्कड़ नाटक करते हैं? सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता, उसी पे नुक्कड़ नाटक होता है। हमने जब हमारी संस्था ओपन हुई तो हमारे संस्था में बहुत ढेर सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी मेहनत से एक चार्ट बनाया गया पूरे साल का, जो भी दिवस आते थे उन दिवस पे तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब किस तरह का आर्थिक सहयोग नहीं था हमारे पास, तो अपने चौराहों पर जहां जहां भीड़ इकट्ठा होती वहां वहां पे हमने नुक्कड़ नाटक शुरू कर दिया। क्योंकि नुक्कड़ नाटक को लेके हमारे यहाँ भावनाएं बहुत खराब है कि ये नुक्कड़ पे डफली बजाते हुए प्रस्तुति करेंगे लोग, उसको बदलने मुझे काफी समय लगा। और आज आप प्रयागराज में कभी आएंगे तो नुक्कड़ नाटक जहां भी होगा तो बड़े रिस्पेक्ट के साथ लोग नुक्कड़ देखते हैं। उसका कारण है कि हमने साल, 2 साल, 3 साल तक लगातार चौराहों पे नुक्कड़ किया, प्रेस कवरेज के साथ मिले, मीडिया से बात किया और उन गंभीर विषयों पे बात की जिसको बात करने में लोग हिचकिचाते हैं, जैसे परिवार नियोजन, सेनेटरी पैड, ठीक है, ये सारी चीजों पे हमने काम शुरू किया। और मरीन बस्ती के बच्चों की ऐसी कई प्रॉब्लम थी जिन पे हमने काम किया, कई हॉस्पिटल के मरीजों के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए नुक्कड़ नाटक किए। तो कुल मिला के हमने स्लोगन रखा कि नुक्कड़ मौन नहीं रहता है, इंसानियत जब मरता है अंधकार छा जाता है और तब ये नुक्कड़ नाटक मौन नहीं रहता है, उसी को लेकर चल रहे हैं, यही यात्रा भी आगे बढ़ रही है। सर, ये जो आपने संस्था स्थापित की है वो कब आपने स्थापित किया और उस समय क्या-क्या चुनौतियां आई? संस्था स्थापना का तो ऐसा है कि हम कई ग्रुप के साथ काम करते थे, और जब कई ग्रुप के साथ काम करते तो हर ग्रुप का अपना अपना एक वो होता है, एक दायरा होता है कि आप उसके अंदर ही काम कर सकते हैं। किसी का दायरा था सिर्फ और सिर्फ नुक्कड़ नाटक करके पैसा कमाना, किसी का दायरा था सिर्फ सरकार की पढ़ाई करना, उनके पंचवर्षीय योजनाओं को पहुंचाना, ये सब करना। बट क्या होता है ना कि नुक्कड़ नाटक जिसके लिए है वो नहीं होके बाकी सब कुछ हो रहा था। तो मुझे लगा कि उसी दौरान मुझे एक चुनौती मिली और हमारे मार्गदर्शक संतोष कुमार गुप्ता जी, वो एक स्वयं चिदानंदी है, वहां के परमार्थी चेतन एक आश्रम है द्वारा बहुत बड़ा, तो उस समय गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर एक चुनौती हमको आई कि आप तो नुक्कड़ नाटक करते हैं। तब इंडिविजुअल नुक्कड़ नाटक करता था, कोई ग्रुप नहीं था हमारे पास, हमारी टीम थी, हम लोग ग्रुप का सोचे नहीं थे, हम लोग का कि हमको काम करना है तो ग्रुप की क्या जरूरत है, चलो काम करते हैं, सिर्फ काम करना है। तो जब वो आया तो उन्होंने कहा नहीं, आपको ग्रुप होगा तभी आपको ये काम दिया जाएगा। तो उस समय 2019 में मुझे पूरे जितने भी गंगा सटे गांव हैं, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, इन जिलों में उन सबको नुक्कड़ नाटक गंगा स्वच्छता पे करके और उन सबको एक स्वच्छाग्रही बनाना था और उनको वॉलेंटियर के तौर पे कुंभ में खड़ा करना था। तो ये बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, तो हमारी पूरी टीम ने मिलकर इसको करने का प्लान किया। उसी समय महसूस हुआ कि अब एक ग्रुप की जरूरत है जिसे एक नाम से जाना जाए और उसी नाम से हम आगे प्रेस कवरेज में या सारी चीजों में देंगे, ताकि इंडिविजुअल किसी के नाम से दिक्कत हो, टीम को भी लगे कि इंडिविजुअल का नाम ज्यादा जा रहा है। तो एक ग्रुप की स्थापना करते, एक बैनर पे काम करते हैं, और फिर हमने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ खोली सोसाइटी 8-7 के तहत। जैसे आप ये नुक्कड़ नाटक करते हैं तो ये कोई बोलता है या इनवाइट करता है उसके हिसाब से करते हैं कि आप खुद ही प्लान करते हैं कि नहीं हमें वहां नुक्कड़ नाटक करना है? हाँ, पहले था कि कोई नहीं बोलता था और खुद करना पड़ता था, और समय बीतता गया, अब इतने आमंत्रण है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, और अभी विश्व आत्महत्या दिवस था कि बिहार में हम नहीं कर पाए उस पे, क्योंकि हमारा पहले से कार्यक्रम कई फिक्स है,
इस समय हम कई कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी हमसे कनेक्ट हो रहे हैं कि आप बड़ा अच्छा करते हैं। अब एक है माइक्रो फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश, एक बड़ा सभी बैंकों का एक यूनियन है, उसके लोगों ने लोन लिया है, आप महिलाओं ने लोन ले रखा है, उसको लोन नहीं वापिस कर रही है, लोन के बारे में जानकारी नहीं है, बैंक वाले मिल के उनके साथ गेम कर रहे हैं। तो भारत सरकार चाहती है कि आप अवेयर जाके किए ताकि लोग समझे लोन का प्रोसेस अच्छा होता है, उसको समय वहां पे क्रेडिट स्कोर कैसा होता है, वो सब चीज समझे और करें। तो अब ये विस्तृत ज्यादा हो रहा है, हम लोग बहुत जल्दी अपनी कैटेगरी बना देंगे, कमीशन पे काम करेंगे और जल्दी एक बड़ा कार्यक्रम लॉन्च करने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि भी टाइम नहीं मिल पा रहा। तो हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम महीने के 5 नुक्कड़ नाटक सोशल पे काम करेंगे। आप अपने विषय लिख के भेजिए, आप अपने प्रॉब्लम्स लिख के भेजिए। मान लीजिए किसी स्कूल ज्यादा फीस ले रही है और वो गरीब है, उसका प्रताड़ना हो रहा है, या किसी हॉस्पिटल कोई मरीज है, या हो सकता है कि सरकारी दफ्तर में कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो आप हमें लिख के भेजिए और हम उस पर काम करेंगे। मुझे लगता है कि हमारी टीम जाके सर्च करेगी और चीजें अच्छी होंगी, सत्य है, तो हम आगे फ्री ऑफ कॉस्ट नुक्कड़ नाटक करेंगे। बस आपको मैसेज में पूरा एक सिस्टम जो हमारा होगा उसमें आपको करके भेजना है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आप नॉन प्रॉफिट काम करेंगे। लेकिन सर, एक प्रश्न मेरा ये है कि आप पहले तो हमें जरा ये बताएं कि आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं और आप आर्थिक नियोजन कैसे करते हैं? हमारी टीम में इस समय कुल मिला के 25 लोग हैं जो परमानेंटली रन कर रहे हैं, उसके बैक में भी 25 लोग हैं, कुल मिला के 50 की टीम है। और रही आर्थिक की बात, तो क्योंकि हम शुरुआत में अपने स्क्रेंटर पे काम किया करते थे, हम बताए कॉर्पोरेट में भी जा रहे हैं, तो कॉर्पोरेट के शो में इसे नमामि गंगे, हम पहले ही शो फ्री में किया करते थे, तो फ्री में तो हम एक दो शो करते हैं, फ्री में तो रेगमेंट नहीं, कृष्णा जी इसको बढ़ाना है, तो हम कहते हैं ठीक है आप ट्रेवल तो सारी चीजें मैनेज कर दीजिए और उस पर काम करेंगे हम। तो अब जो आर्थिक है उसके लिए हम भी नुक्कड़ नाटक जो कॉमर्शियल होते हैं उसको करते हैं और उनका भी मैसेज सोशल ही होगा। जैसे कि आज का नुक्कड़ नाटक जो था वो था हमारा नमामि गंगे परियोजनाओं की आज ही के दिन, और हिंदी भी एक नुक्कड़ नाटक था, अब हिंदी को बढ़ावा देने का नुक्कड़ नाटक था और एक नुक्कड़ नाटक था गंगा के। तो अब ये शोज किसी न किसी ने हमसे बुलाए थे, अब ये शो उनको स्पॉन्सर कर रहा था नेहरू युवा केंद्र, खेल मंत्रालय भारत सरकार आप जानते हैं वो कर रहा था। इसके अलावा कुछ दिन पहले इलाहाबाद संग्रहालय हमको सपोर्ट कर रहा था, कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम चल रहा था पूरे भारत में हर घर तिरंगा, उसमें हमें संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, सचिव सारे उत्तर प्रदेश, अभिलेखागार प्रयागराज और जितने भी डिपार्टमेंट 5-6 डिपार्टमेंट मिलकर हमको आर्थिक सहायता कर रहे थे। और हम कई जिलों में सोनभद्र से लेके बनारस से चंदौली से लेके इलाहाबाद झांसी जालौन उरई आगरा बरेली आजमगढ़ सब जगह हमारी टीम रन करके काम कर रही है। और अभी नुक्कड़ नाटक संस्थान का परिवार बहुत बड़ा हो चुका है, इलाहाबाद का ही परिवार है और हर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे छोटे ग्रुप्स बन चुके हैं जो संस्थान के लिए काम करते हैं। तो हम जब भी कोई एक मुहिम बड़ा करना चाहते हैं तो सारे लोग हमारे साथ आते हैं, हम एक साथ एक जगह बैठ के कई जिलों में कई प्रस्तुतियां कर रहे होते हैं। अब तक आपने किन किन राज्यों में अपना ये प्रदर्शन किया हुआ है? राज्य ज्यादा बढ़िया है, मध्य प्रदेश हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया और इधर क्या कहते हैं दिल्ली तो कर ही रहे हम लोग पहले से, और भी याद नहीं आ रहा इससे कुछ हो गया, एक ही बार नेपाल विजिट भी हो चुकी है और बाकी मॉरिशस का 3-3 बार हो चुका, कोविड थोड़ा नहीं जा पाए थे उधर भी प्रोसेस में है। तो जो आप नाटक करते हैं नुक्कड़ नाटक करते हैं तो उसमें आपका रोल क्या होता है, मतलब हर बार आप ही लीड करते हैं कि और भी लोग हैं जो लीड करते हैं, और इनको मतलब नाटक करने से पहले लेखन कौन करता है, आप करते हैं या कोई और टीम में भी है लेखन करने के लिए? दो प्रोसेस है, क्योंकि मैं नुक्कड़ नाटक सिखाता भी हूँ और कई IIT कॉलेज हो गया और PHU हो गया, कई NGO है जहाँ मैं जाता हूँ सिखाने। तो नुक्कड़ नाटक दो फॉर्मेट में करते हैं हम लोग, एक तो होता है तत्कालीन नुक्कड़ नाटक, जब हम कोई विषय रात में कोई बड़ा विषय आ गया हमारे साथ, जैसे कि अगर आपको याद होगा कि लड़की ने एक कैब ड्राइवर को चाटा मारा था और उसी रात हमको अगले दिन नुक्कड़ करना था उस पर, क्योंकि हम लोगों ने जान देख के वीडियो समझ में आ गया था कि यह गलत हो रहा है। तो अब जब तत्कालीन नुक्कड़ नाटक होते तो टीम बैठती है और टीम पॉइंट बनाती है, इसमें बना दिया पॉइंट ये पॉइंट है, अब मैं सबके विचार जानना चाहता हूँ क्या सही है क्या गलत है। कुछ आर्टिस्ट पक्ष में हो जाते हैं, कुछ आर्टिस्ट विपक्ष में हो जाते हैं, और जब बातें होने लगती है उसी समय एक नाटक का ढांचा तैयार कर देते हैं, क्योंकि हम लोग थिएटर आर्टिस्ट हैं और पहले बहुत काम कर चुके हैं
तो हम लोगों में बहुत ज्यादा सामंजस्य है और हम लोग एक दूसरे आपको हम बात करके रोज चेंज कर लेते हैं और बात कर लेते हैं और प्रस्तुतियां हो जाती है। दूसरा को देखो, जब कोई गंभीर विषय होती है और उस पर जब बात करनी होती है, जैसे अभी हम एक नाटक कर रहे हैं रजस्वला, उमासी धर्म पे है और उसे लिखा है, अच्छी राइटर है काफी प्रसिद्ध कामनी यादव जी, महावारी, और उसके लिए वो क्योंकि एक लड़की है जो सोलो अकेले परफॉर्म करती है, उसको उसकी तैयारी 10 दिन की हुई है और हम लोग लगातार उस प्रस्तुतियां कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। इसमें एक मोहम्मद करीम जी हैं जो जितने भी नुक्कड़ नाटक के वो गाने होते हैं वो राइट करते हैं, एक संतोष गुप्ता जी हैं जो नुक्कड़ नाटक के कई नाटकों को लिखते हैं, और भी साथी हैं, प्रदीप जी हैं जो हमारे यहाँ पूरा म्यूजिक का काम देखते हैं, और ऐसे आर्टिस्टों में रोशनी है जो बहुत डेडिकेटेड है, वो पूरा कॉस्ट्यूम सारा चीज मैनेज करती है, कौन क्या पहनेगा और कहाँ रखेगा क्या उतारेगा, क्योंकि हमारे हमारा एक बड़ा शो है गंगा को पावन रहने दो और पूरे भारत में केवल मैं करता हूँ, मुखौटे होते बड़े बड़े उसको पहन के आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, तो उसकी ऑडियो, उसका साउंड, उसकी लाइट होती है और उसकी सोच, आपको बता दें कि फॉरेन के कई टीवी न्यूज और पत्र पत्रिकाओं प्रकाशित हो चुका है और डीडी नेशनल का भी अपना उसमें उसने किया है, और जो कैलेंडर बनते हैं भारत सरकार के उसमें भी अगस्त और सितंबर के महीने में जो फोटो लगी हुई है वो सारी चीज उपलब्धियाँ रही है, तो अपनी टीम में काफी काम करते हैं सब लोग। देवेंद्र राजभर है जो संस्था को सचिव है और उतने डेडिकेटेड इंसान है कि वो ये नहीं देखते कि कहाँ आर्थिक सहयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जहाँ भी जैसे होते हैं वो पहुंच जाते हैं, वो तो सारा चीज मैनेज करते हैं, प्रेस मीडिया को कैसे बताना है, क्या प्रेस दिखना है, वो सारा काम करते हैं। जैसा कि मैंने देखा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है आपके संस्थान का वो कोरोना काल से पहले हुआ है और जस्ट 2019 में ही हुआ है और कुछ ही महीनों बाद कोरोना आ गया, तो ऐसी परिस्थितियों में आपने किस तरह से काम किया और क्या क्या उस दौरान चुनौतियां आई? बहुत चुनौती थी क्योंकि हमारा काम होता है भीड़ इकट्ठा करना और सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करना था उस समय, तो बड़ा दिक्कत हो रहा था उस समय कि हम कैसे कैसे सहयोग करें, क्योंकि एक तो होता जो हमको आता है वो हम बेहतर करके बता सकते हैं, अब जो हमारा काम नहीं उसके लिए हमको सिंगिंग और भी तरीके हैं उस पर नहीं किया, तो हम लोगों ने हमारी एक दीदी है जो बहुत अच्छा लिखती है और उनके लिखे कई नुक्कड़ नाटक हम लोग आए दिन प्रस्तुत करते रहते हैं, प्रसिद्धि पे बहुत अच्छी फॉलोअर्स हैं उनके और काफी सम्मानित हैं, उनकी अभी एक किताब आई है कैलेंडर पर लड़की तारीखें करके, तो अब उन्होंने क्या करते थे कि वो कविता लिखती थी और हम लोग अपने घर में बैठ बैठ के वीडियो में बोला करते थे और लगातार चैन जोड़ खरीद करके लोगों को देते थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि मैं जब बाहर जा रहा हूँ देख रहा हूँ पॉलिटिकल रैलियां हो रही थी, बीच बीच में सभाएं लोग कर ले रहे थे, मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं उस समय तत्कालीन आईजी थे रविंद्र प्रताप जी, इस समय अयोध्या में आईजी है वो अधीक्षक, और उन्होंने उनसे मैं गया बात किया कि सर मैं भीड़ इकट्ठा नहीं करूंगा, बट मैं मेरा एक मुखौटा है जो राक्षस जैसा दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ उसको, मैंने उसको एक कोविड का शक्ल दिया था, ये दिख रहा है ठीक है, इसको मैंने एक कोविड का शक्ल दिया था और इस पे आर्टिस्ट पहन के परफॉर्म करते थे, तो ये कोरोना बन के लोगों के बीच में जाता था, वहां उनको बताता था, उसमें एक ऑडियो जुड़ती थी, उसको बैकग्राउंड से मैं अपनी मोटी आवाज में बोलता था और लोग जाते थे, ये पर्चे बांटता था, व्यंग करता था लोगों के साथ में, जो लोग बतिया थे जो मास्क नहीं लगाया उनके व्यंग करता था, तो इस तरह से हम लोगों ने काफी काम किया और उन्होंने एक लेटर बकायदा लिख के दे दिया था हम लोगों को कि इस टीम को पूरे कोविड के दौरान कहीं भी अपनी प्रस्तुति करने का पूरा पूरा अधिकार है, वो डीएम सीएम सबको मिल चुका था, तो हमको बहुत बड़ा सपोर्ट मिल गया था और हम बेहतरीन उस पर काम कर रहे थे। ये बताएं कि आपको तो काफी अनुभव है नाटक और ये सबका, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप नाटक अभिनय कर रहे हो और कभी आपको हेजिटेशन आया हो या फिर स्क्रिप्ट में कुछ भूल गए हो, कभी कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? नहीं, मैं इस मामले में जब मैं किसी दूसरे ग्रुप के साथ कर रहा होता हूं और जब बड़े सीनियर आर्टिस्ट साथ में होते हैं तो थोड़ा हेजिटेशन हो जाता है, क्योंकि बड़े लोग काफी आर्टिस्ट है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पता नहीं क्या चला जाता था उस समय, तो एक बार की बात है मैं क्योंकि मुझे आज तक जो सबसे कठिन विधा लगती है वो हमारी लोक नाट्य परंपरा नौटंकी लगती है, नौटंकी की जो कला है वो हमारी जितनी भी हमारे नाटक की आपकी पढ़े लिखे और ये जितने भी थिएटर लोग पहुंच चुके हैं बड़े बड़े लोग चाहे जितना बोल दें, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो सबसे कठिन विधा है नौटंकी की, नौटंकी पूरा गायन का काम है, गायन के साथ अभिनय का है और वो भी ऊपर जाके बोलना होता है और गा गा के बोलना होता है, और अगर आप मैं सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ जो दिल्ली में है वो 6 से 8 अक्टूबर को हम लोग नौटंकी का उत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेटिंग नौटंकी मना रहे हैं दिल्ली के कामानी ऑडिटोरियम में,
जहाँ पे हम लोग 6 तारीख को बूढ़े काकी प्रेमचंद कृत कर रहे हैं, फिर राजकुमार श्रीवास्तव के दास्ताने लैला मजनू और उन्हीं का कृत एक है बहरूपिया वो कर रहे हैं। तो उस दौरान क्या हुआ, जब मैं उसी पहली बार नौटंकी करने गया था, एक स्वर्ग रंग मंडल है, बहुत बड़ा ग्रुप है यहाँ का, तो उसमें वीर कुंवर सिंह के बारे में बात हो रही थी, आप जानते होंगे वीर कुंवर सिंह बारे में, तो उनपे पूरी नौटंकी थी और उस दौरान मुझे एक मुनादी का रोल करना था ड्रम बजाते हुए कि सुनो 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 अंग्रेजों ने फरमान दिया है कि जो वीर कुंवर सिंह को पकड़ के लिए आएगा जिंदा या मुर्दा उसको इनाम देगी सरकार। जो मैं मंच पे खड़ा था उस समय कई लोग मुझे ही देखने आए थे, तो मैं वीर कुंवर ने बीर कुंवर सिंह बोल दिया था उस समय, सुनो 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 बीर कुंवर सिंह को पकड़ना है, ठीक है बीर कुंवर सिंह बोल के निकल गया था मैं, ठीक है। ऐसी गलतियां हुई है, कई बार हुई है। मैं एक बार क्या कि मुखौटा लगा के किसी नुक्कड़ पे नाटक कर रहा था, तो मेरे एक रिलेशन के हैं वो उन्होंने नाटक देखा और हमको कह रहे हैं गाते होते रहते एक लड़के हैं जो चौराहे पे नुक्कड़ के लोगों को जागरूक कर तुम घर बैठे हो, अब उनको कैसे बताऊं कि जो मुखौटा वो नहीं पहन के कर रहा था वहां पे, उनको कभी तक नहीं करूँ तो वो हो जाता है, हुई है कई कहानी। अच्छा कृष्ण कुमार जी ये बताइए कि आप बहुत सारे मुद्दों पर सामाजिक मुद्दों पर आप कला अभिनय करते हैं, लेकिन क्या मतदान जागरूकता को लेकर कभी आपने किया है क्या? ये मेरा मुख्य विषय रहा है मतदान हमेशा से, जब जब आया हमने तो हमने इसी राक्षस को नर मतदाता भक्षी राक्षस बनाया था, इसी जो मुखौटे का आपने देखा है, और ये बोलता था कि अगर तुम वोट नहीं डाले तो मैं तुम्हारे अधिकारों का हनन कर दूंगा और उम्र हो गई पूरी वोट देना है जरूरी, इस तरह का एक संवाद चलता था। हम लोग गाँव गाँव जाते थे और लोग में जो वोट न देने की छुट्टी मनाने का जो दिक्कत कहाँ थी मैं बोलता, मुझे आश्चर्य तब हुआ जब मैं देखा कि जो शिक्षित नहीं है जो जागरूक नहीं है वो वोट के प्रति बहुत जागरूक थे, अपने मतदान के प्रति। जो शिक्षित थे जो जॉब कर रहे थे असली वोट वो नहीं देने जा रहे थे। दिक्कत जब नुक्कड़ नाटक करने जब गलियों में गए बातचीत किया लोगों से तो पता चला बड़ा कठिन था कि बड़े लोगों के बीच में नुक्कड़ नाटक करना, जो सिर्फ ऐसे नुक्कड़ देखते हैं, ऐसे ऐसे भी नहीं करते, ऐसे भी नहीं करते, ऐसे देखने से मतलब क्या कर रहे हो भाड़ में जाओ, वो सिर्फ अपने ग्रेविटी पड़े रहेंगे, मैं कर्नल साहब मैं प्रोफेसर साहब मैं ऐसे रहूंगा तुम करना और ताली बजाओ चले जाओ, इनके बीच में करना था। तो इन्हीं को मैंने हम लोगों ने व्यंग बना लिए, ऐसा व्यंग बनाया कि इनको बोलना ही पड़ा कि मैं बोलूंगा नहीं मैं बजाता हूँ। उसे बोला अरे तुम वोट देने गए क्या? नहीं सर। अरे प्रोफेसर हो क्या कहेंगे तुम? नहीं सर नहीं है। अच्छा डॉक्टर हो? नहीं। वकील हो? नहीं। आम इंसान तो जाता है, तुम आम इंसान नहीं हो क्या तुम बताओ? इस तरह के करके हम लोगों ने काफी अवेयरनेस करके फिर उनको भी जोड़ा और उसका प्रभाव भी बढ़ा हमारे प्रयागराज में, उसका रिपोर्ट यहाँ के जिला प्रशासन के पास है, उन्होंने सम्मानित भी किया हम लोगों को, बोर्ड की जो प्रसन्नता वो बड़ी थी तो उन्होंने सम्मानित भी किया। अच्छा कृष्ण कुमार जी एक सवाल था हमारा, जैसे कि आप कह रहे हैं कि वोट डालना एक अधिकार है, लेकिन अभी हाल ही में हम लोगों ने एक लोगों का इंटरव्यू लिया था तो वो बहुत अच्छे शब्दों में एक बातें बयां की कि अगर हमें अच्छा प्रत्याशी न मिले तो वोट न डालने का भी हमारा अधिकार है। तो नोटा है नहीं तो फिर ये जैसे कि आप अगर जागरूकता इस प्रकार का कर रहे हैं कि वोट डालिए ये आपका अधिकार है, लेकिन आप इस तरह की जागरूकता क्यों नहीं किए कि अगर आपको अच्छा प्रत्याशी ना मिल रहा हो तो आप वोट मत डालिए ये भी आपका अधिकार है। अगर आपको प्रत्याशी यहाँ ये था आप मैं ऑडियो पे दूंगा, नाटक के पेपर कटिंग में भी है ये अच्छी तरह से, आपको प्रत्याशी का अगर नाम या प्रत्याशी पसंद नहीं आता है तो नोटा का बटन दबाना है लेकिन वोट देने जरूर जाना है, ये स्लोगन छोड़ते नोटा का बटन बहुत जरूरी था क्योंकि भारत सरकार को पता होना चाहिए कि कितने लोग नापसंद कर रहे हैं लोगों के लिए, तो बहुत जरूरी था, उसपे हम लोग बहुत बात करते थे नोटा को लेकर, और अगर हम बात नहीं करते थे कहीं भूल जाते थे तो नुक्कड़ नाटक के दर्शक बहुत जागरूक होते हैं वो खुद बताते थे, और खासकर प्रयागराज की धरती पे तो ज्ञानियों की कमी नहीं है, यहाँ पे आप कोई प्रस्तुतियां करने जाएंगे तो आपको दुकान वाला बताएगा कि भारतेंदु का नहीं है बे ये निराला जी कविता बोल रहता है, ठीक है वो भी जानता है, तो ये बड़ा प्रमुख लोगों का शहर है तो यहाँ पे आप कोई भी गलती कर नहीं सकते। आपका कोई ऐसी ऐसा कोई फिल्म डॉक्यूमेंट्री आप बनाते हैं वो फिल्म या नाटक कोई ऐसा आपका जो आपको बहुत पसंद हो और उसके बारे में बताइए भी हमें थोड़ा कि क्यों पसंद है वो? मैं काफी डॉक्यूमेंट्री फिल्में कर चुका हूँ भारत सरकार की, ज्यादातर सहायक निर्देशक रहा हूँ, लेखन किया है और बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी काम किया है हमने,
अभी एक हमने बनाई थी फिरोजाबाद के वहाँ की महिलाओं ने कोविड के दौरान जो भारत सरकार का ये उत्तर प्रदेश सरकार का उत्तर प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन है जिसको हम UPSRLM बोलते हैं, उस योजना के तहत समूहों के महिलाओं ने वहाँ पे बड़ा काम किया। उन्होंने फिरोजाबाद क्योंकि बड़े पैमाने पे आलू का उत्पादन होता है और उस आलू का एक समय के बाद उसका दुरुपयोग होने लगता है, जब कोई खरीदार नहीं होता वो सड़क फेंके जाने लगती है। अभी इन किसानों को पता नहीं था कौन सी आलू चिप्स के लिए उपयोगी होती है और कौन सी नहीं होती है। तो ये जो यहाँ के अधिकारी थे, जो क्या कहते हैं SRP थे और भी DMM थे, वो सारे लोगों ने मिलके इनको बताया, इन महिलाओं ने चिप्स की खेती करना शुरू कर दिया। ये आलू बेचती थी, कुछ दिन बाद इनको लगा नहीं यार जब हम आलू बेची रहे खुद की फैक्ट्री क्यों नहीं खोल लेते। अब ये बड़ा चुनौती था और फिर उन महिलाओं ने अपने से प्रेरणा लेते हुए 700 महिलाओं ने 3,000 रुपए इकट्ठा की और नाबार्ड की सहायता भी ली। नाबार्ड पहले नहीं है, जब इन्होंने इकट्ठा कर लिया और जब क्या कहते हैं वहाँ के SDM और वहाँ के SDO ये सब मिलकर जब आगे महिलाओं के साथ आए, तब वहाँ के जो बैंक थे बैंक ऑफ बड़ौदा ICIC और भी जितने भी लोग थे सब साथ में आए, फिर नाबार्ड की सहायता किया। ये बहुत बड़ी स्टोरी थी, जब उसको शूट करने गया मुझे इतना मजा आया। उस महिलाओं को कॉन्फिडेंस, वो घर में काम करती हैं और खुद उसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो डायरेक्टर खुद ही आलू चिप्स छील भी रही है, खुद बनवा रही है क्योंकि उसको पता है, वो घर में काम कर चुकी थी, इम्प्लॉई जो रख रही है उसको पता है कि कैसे आलू छीली जाती है, कैसे रखी जाती है। उस डॉक्यूमेंट्री केवल डॉक्यूमेंट्री नहीं था, वो मेरे लिए प्रेरणा था कि महिलाओं में कितना बड़ा परिवर्तन हो रहा है किसी भी माध्यम से। आज 10 महिलाएं उसकी मेन डायरेक्टर हैं और 700 महिलाएं उसके पीछे काम कर रही हैं और अभी हाल में ही आशुतोष राणा सर उसका एड फिल्म करने वाले हैं, उनसे बात चल रही है और 2 लोगों और पास चल रही है जो अभी लोग पंकज त्रिपाठी। और अच्छा हुआ तो हम लोग मुंबई जाएंगे उसका डॉक्यूमेंट्री शूट करने, और डॉक्यूमेंट्री भारत सरकार के कई सोशल मीडिया हैंडल्स पे चल रही है, तो मेरे दिल के बहुत करीब रही है। और मैंने एक पंजाबी गाना बनाया था, वो भी मेरे दिल के करीब रहा है। ऐसी चीजें बहुत सारी है जिसपे हमने काम किया है। अच्छा कृष्ण कुमार जी, बताइए क्या आप अकेले रहना पसंद करते हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं है, तब अकेले रहना पसंद नहीं करता मैं। हमारे रूम पे ओपन किचन जैसा हो गया, गुरु का कोई भी आता है, कुछ भी बनाता है, कुछ भी खाता है, वाईफाई सिस्टम है, सब लोग बैठ के मस्ती करते हैं, अकेला कोई नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ और पूछ रहा था, आप अकेले ही रहेंगे क्या? अच्छा। अकेले अकेले का तो भी प्लान मेरा है क्योंकि ऐसा कुछ समझ नहीं आता कि शादी वादी भी ऐसा कुछ होना है या करना है, अब ऐसा कुछ है नहीं। एक समय था, कभी था, उसके बाद नहीं है। अच्छा, मतलब आपने डिसाइड किया है क्या कुछ कि नहीं अब नहीं? सोचना ही बंद कर दिया उस पे कि ऐसा कुछ होने वाला या करने वाला हूँ, ऐसा मतलब लगता नहीं। अब सिर्फ जिम्मेदारियां दिखती हैं और काम दिखते हैं, फैमिली का प्रेशर दिखता है और बस वैसे चलता है। बचपन की कुछ यादें बताइए जो आपको आज भी याद करने के बाद बहुत मन में प्रसन्नता होती हो या कभी कभी दुखद मन हो जाता होगा। हमारा बचपन इतना शरारत बीता है कि शायद उसे किसी का बचपन नहीं बीता होगा। बहुत शरारती था मेरा बचपन और शरारत के कारण पूरा गांव परेशान था और उसी कारण मुझे केवल पढ़ने नहीं भेजा गया था, मुझे गांव से भेज दिया गया था कि इधर ही जाए, ये काफी बवाल कम ठीक है। वो टीचर भी थे तो वो चिकन था, तो मैं गाँव में क्या कर रहा था, हमारे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी में फिल्मों का बहुत शौकीन इतना शौकीन था। आप ये जान लीजिए कि हमारे गाँव में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आती थी और जो पैसा देता था उसको एक फिल्म दिखाई जाती थी। तो जो बैटरी का पैसा दे या जो होंडा का पैसा दे, उस समय जनरेटर होता था उसका पैसा दे, तो उसको ही दिखाई जाती थी। इतने दीवाने थे कि अगर पैसा नहीं थी तो दीवान के पीछे कान लगा लेते थे, बोलते थे अमरीश पुरी बोल रहा है, सनी देओल बोल रहा है, जितेंद्र बोल रहा है, पूरी परिकल्पना फिल्मी कर जाते थे और अगले दिन स्कूल में जाके बैठ के उस जो देखा उससे बढ़िया एक्सप्लेन करते थे कि हम देख के आए, किसी से लगे नहीं हमने देखा नहीं। उस चक्कर में बहुत मार खाते थे हम लोग। पिताजी ऐसे हमारे थे कि टीचर को बोलते जाके मारना खूब, आज टीवी देख फिल्म देखने गया तो कुछ याद नहीं होगा, और हम लोग याद भी कर लेते थे। तो और बहुत ये सारी यादें हैं, बहुत चीजें हैं, दुखी भी हैं। हमारी माताजी नहीं रही उसी बीच में, इन्होंने हमको पाला था, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा वो बचपन की चीजें हैं, तो बहुत दुखद है और उसकी वो भरपाई नहीं हो पाता कभी भी। और मतलब एक कहते ना जैसे कि वो समग्रता बहुत कुछ थी, वो मजदूरों को अगर वो मजदूर किसी काम पे लगाए, वो मजदूर काम कर रहा है हमारे यहाँ जो हरवाहा काम करता है, अगर वो थक रहा है, वो बीमार है, तो वो क्या करती थी, वो खुद हल चलाने लगती थी, वो लेडीज होते वो बैठ जाता था उसके लिए खाना पीना बनाना। तो मालकिन की हमारे जो पशु वसु होते हैं
वो उनको चाटते रहते थे, वो मतलब एक ऐसा घर का माहौल क्रिएट होता था कि मतलब एक बस और टूट गया सब चीजें, अब नहीं रह गई वो माहौल चीजें। वो लाठी चलाना बहुत अच्छा जानती थी, मतलब सारी स्किल्स थे उनके अंदर, तो बहुत बड़ी कमी है जो निकलती है। चलिए तो आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं नुक्कड़ नाटक को लेके काम कर रहा हूँ। मेरा एक दिक्कत ये है कि सारी कलाओं को वो सम्मान वो दर्जा प्राप्त है, सारी कलाएं किसी किसी सम्मान किसी अवार्ड में शामिल हैं, तो फिर ये नुक्कड़ नाटक उपेक्षित क्यों है? इसके बारे में जरा आप लोग भी पढ़ें और उसके हमको भी सुझाव दें क्यों है, उस दोनों पक्षों को जानें, क्योंकि नुक्कड़ नाटक आज़ादी की भूमिकाएं हों चाहे जो भी रहा हो। अगर आप नाटक के इतिहास की बात करेंगे तो आपके दिमाग में आता होगा यार अगर नाटक की शुरुआत हुई तो नुक्कड़ से हुई होगी, क्योंकि चार लोग नुक्कड़ बैठ कोई बातचीत क्यों होंगे, वहीं हो गई होगी और कोई प्लानिंग करके कोई नुक्कड़ हुआ नहीं था। तो कहीं ना कहीं से अगर हम माने तो लव कुश परंपराओं शुरू किए थे, जब सीता कमा के बारे में बताना था तो गायन शैली का नाटक प्रयोग करके बताते थे कि सीता माँ की कथा को, ऐसे बहुत कलाएं हमेशा संदेश वाहक रही हैं, कलाएं हमेशा में आगे रही हैं। और नुक्कड़ नाटक तो काफी बलिदान दिए हों, चाहे शतरा फासमी जी हों, उनको मार दिया जाता है नुक्कड़ करते समय, हल्ला बोल आपने फिल्म देखी होगी काफी उसने देखा होगा। फिर ये कौन लोग हैं जो नुक्कड़ नाटक को शामिल नहीं करना चाहते, नुक्कड़ नाटक बात नहीं करना चाहते? जितने भी फिल्म अभिनेता हैं, कोई भी अभिनेता उठाए देखो, सबकी जर्नी नुक्कड़ नाटक से शुरू हुई है, नुक्कड़ नाटक से उनकी शुरुआत हुई अभिनय की, नुक्कड़ नाटक से परिवर्तन लाए हैं। फिर ये लोग नुक्कड़ नाटक बोलते क्यों नहीं है, नुक्कड़ नाटक को आगे लेके बढ़ते क्यों नहीं? चाहता हूँ कि आप लोग भी इससे बात करें और मिल जाए मुझे जरूर। जी जरूर, अगर इस तरह का काम हो लोगों को बीच जा करके उनकी मूल समस्याओं पर, अगर नुक्कड़ नाटक बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो भी नृत्य कला साहित्य है उसमें भी इसको दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सराहनीय कार्य है और ये लोगों तक पहुंचा हुआ कार्य है। आप किसी गांव में जाकर के भी बड़े आराम से नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, और किसी भी भाषा का कोई भी व्यक्ति हो, किसी राज्य से आता हो, भले वो अगर हिंदी में हो तो हिंदी ना बोलता हो या कोई और भाषा बोलता हो, लेकिन नुक्कड़ नाटक एक ऐसा मंच प्रदान करता है जिसमें किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, व्यक्ति जो भी क्रियाकलापें हैं उनको देख करके वो समझ सकता है। और जो भी आपने नुक्कड़ नाटक संस्था के लिए जितना भी संघर्ष किया है उसका परिणाम यह है कि इलाहाबाद जैसे जगहों में, सॉरी प्रयागराज जैसे शहरों में लोग नुक्कड़ नाटक को बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, और मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व में लोग जानें इसको, समझें इसको। हालांकि ये केवल किताबों में और पठन पाठन में नहीं होना चाहिए, इसको वो दर्जा मिलना चाहिए जिसका यह अधिकार आधिकारिक है। मेरा एक और सवाल था रह गया है, वो अभी याद आया। बोलिए जी। मेरा सवाल ऐसा है कि आपने कभी जैसे बड़े बड़े स्टार होते हैं अभिनेता होते हैं, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं भी बड़ा स्टार या अभिनेता बनूं? अच्छा नहीं था, मुझे अभिनेता बनने का हमेशा शौक था और मुझे हमेशा विलेन बनना था, मुझे नकारात्मक करेक्टर करना था। और मैं अभी जो भी एक आध दो वेब सीरीज बनी हुई है दिमाग से जूलिया की, और आपने गैंग वासेपुर देखा होगा, तो एक सत्यकांत कामत सर हैं, जिम्मी भैया बने हैं, दिमाग से जूलिया के बेटे बने हैं, तो उनके साथ अभी एक वेब सीरीज कर रहा हूँ और प्लानिंग भी है। लेकिन बीच में क्या हुआ कि हमारी फैमिली की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और शहर में रहकर मुझे बहुत कुछ करना था और अपनी बैग ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना था कि मैं कभी मुंबई मुंबई जाऊं तो बैग मेरे पास मेरा खुद का कुछ सपोर्ट होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्टर बनाने शुरू कर दिए, मैंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और मेरी कल से निःशुल्क कार्यशाला सिविल लाइन्स के एक स्टूडियो में शुरू हो रही है, निःशुल्क कार्यशाला है। और यह भी हमारे शहर में दिमांशु धुलिया आए हुए हैं और अपनी वेब सीरीज गर्मी की शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा दिल्ली में शो है और मेरी कास्टिंग भी हुई है, उनको माफी मांगा उनके कास्टिंग से, मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि दिल्ली पहले से कमिटमेंट कर चुका हूँ, वो चाहते कम रहता और आर्टिस्ट को बाहर भेज के डेढ़ डेढ़ दो दो सौ आर्टिस्ट रोज मैनेज करना होता है, उनको डेढ़ दो सौ आर्टिस्ट उनको रोज देने होते हैं ताकि उनके सेट पे तो सारे मार्केट का सीन सारा भी वो चल सके। तो है और आगे मैं आपको दिखूंगा और अच्छे से दिखूंगा और बड़े पर्दे कुछ तक 30 साल के बाद मैं शुरू करूँ, 40 साल के बाद आऊंगा, बीच में भी आ सका हूँ, तो प्लानिंग्स है और मैं विलन के रूप में ही आऊंगा। विलन के रूप में चलिए, विलन भी अपने आप में एक हीरो ही है, क्योंकि विलन का कैरेक्टर करना बहुत ही मुश्किल भरा कार्य होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, कभी कभी नेगेटिव रोल भी करना पड़ता है, कभी कभी क्या नेगेटिव रोल बहुत ज्यादा रहता है, बहुत सारे कैरेक्टर हो जाते हैं उस समय,
हम लोगों ने अभी हाल ही में वाराणसी के क्या नाम था सर उनका, अजय मिश्रा जी था अजय मिश्रा उनका। जी का भी किया था हम लोगों ने अभी हाल ही में, वो भी गैंग्स ऑफ वासेपुर में उन्होंने भी काम किया है। जैसा कि आपने बताया कि आप जो कि विलन का किरदार मतलब किरदार करना चाहते हैं आगे, तो आपको अभी कौन सा अभिनेता पसंद है कि हमारा बड़ा कंफ्यूज होता भाई, मैं हमेशा मेरी पसंद चेंज होती रहती है, और ये मैं आने वाले लोगों को बता देना चाहता हूँ, शायद शादी भी इसलिए नहीं करना चाहता हूँ। मेरी पसंद हमेशा चेंज होती रहती है, मेरे पसंदीदा कोई एक नहीं होता। मेरा पसंद समय के अनुसार बदल जाता है, मुझे कभी बेहद शाहरुख खान पसंद थे, फिर मुझे बीच में इरफान सर आए, तो इरफान सर पसंद हो गए, इरफान सर के बाद पंकज जी, पंकज जी पसंद हो गए, तो समय के अनुसार बदलता रहता है, चीजें बदलती रहती चीजें। हाँ लेकिन मैं डीपली एक्टिंग करना चाहता हूँ, जैसे लाइक पंकज त्रिपाठी हैं, आप उनको देखते हैं, तो मैं उसी तरह का रोल मैं पहले सोच के रखा था कि मैं उसी तरह का मैं विलेन करूंगा, थोड़ा मेरा सेट अलग होगा, उनका क्राफ्ट अलग है, उनके क्राफ्ट अलग होंगे, और मुझे पूरे अगर फिल्म इंडस्ट्री कोई विलेन देख पात्र हो रहे हैं, मतलब मैं विलेन कहने का मतलब नहीं कि फिल्म में कोई मेन विलेन होगा, मैं विलेन पात्र होगा जो जब दर्शक चाहता है कि ये ऐसा होगा और विलेन ऐसा नहीं करता है, वो दर्शक उसकी एक्टिंग वहां नहीं करती है, मेरे मेरे मायने में जो नकारात्मक कैरेक्टर करते हैं वो असली अभिनेता होते हैं, क्योंकि वो दर्शकों के माइंड के अनुरूप चलते हैं, उस समय दर्शक देखता है तो कहता नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वो वैसा ही करता है, और तब उसको देखा जाता है जब वो भेड़ा पैदा होती है उनके बीच में, वो असली मायने में शुरू हो जाती चीजें, तो कभी आएगा करना, बड़े भाई का भी चीजें हो जाएगी, कभी उस तरह के होंगे, मुझे एक मन और है कि मैं कभी किसी बड़े भाई करेक्टर को, जिसका छोटा भाई बहुत लापरवाह हो, तो ऐसे ऐसे माइंड में चलते रहते हैं, रात आपने कभी डायलॉग बाजी करते हैं हम लोग बैठ के, है? कृष्ण कुमार जी, बातें बहुत हुई अब, तो हम चाहेंगे कि आपको आप एक अच्छा अभिनेता बने, आप बहुत बुलंदियों को छुए हैं, और ये जो आपने नुक्कड़ नाटक अभिनय संस्था आपने अपने दम पर स्टार्ट किया और आज 50 लोगों की टीम के साथ कार्य कर रहे हैं, ये और बड़ा हो और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को हमेशा अवेयरनेस का काम करते रहे, और जो आपने मुफ्त में जो कार्य करना अभी स्टार्ट किया है उसमें भी आप हमेशा कम से कम गरीब लोगों के लिए जो शिक्षा से जो वंचित है ऐसे लोगों के लिए आप मुफ्त में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवेयरनेस फैलाते रहें। तो इसी के साथ इस संगोष्ठी कार्यक्रम का औपचारिक रूप से समापन के लिए आपकी अनुमति चाहेंगे। बहुत बहुत आभार बहुत बहुत आपके धन्यवाद। चैनल का, और आप लगातार काम कर रहे हैं, कभी ये चैनल शुरुआत हुआ था 0 सब्सक्रिप्शन से और आज 1,000 पे है, और ये विदिन कुछ दिनों के अंदर हुआ है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास संसाधन कम होते, पंकज त्रिपाठी जी एक लाइन बोलते हैं कि जब नदी में पुल नहीं होता तब हम तैरना सीखते हैं पार करने के लिए, तो हमको जो कमियां हैं वो हमें सीखने की प्रेरणा देती है, हमें बल देती है, हमारे पास अच्छा माइक नहीं, अच्छा कैमरा नहीं है, लेकिन हमारे पास चीजें हैं, हमारे पास हौसला है, हमारे पास बुद्धि है कि हम कैसे काम करेंगे, और वो आप बेहतर कर रहे हैं और बेहतर दिशा में कर रहे हैं, तो भविष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पता है कि एक बड़ा चैनल होगा और आने वाले समय में, और आप और भी लोगों पे रिसर्च करके काम करेंगे, उनकी संवेदनाओं पर भी काम करेंगे, और विभिन्न पहलुओं को बात करेंगे उनके, और भी लोगों के पास पहुंचेंगे, क्योंकि दुनिया में बहुत ढेर सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनसे बात करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, ताकि लोगों में उस चीज को अवेयरनेस की जा सके कि नहीं भाई आप ऐसे भी काम कर सकते हैं, खासकर जो सोशल वर्कर उनके लिए जरूर करें, क्योंकि आज का जो समय वो बहुत तेजी से मतलबी के दौर में बढ़ रहा है, और ऐसे में जो जो बेगर स्वार्थ के काम करते हैं उनका मनोबल न टूटे, उनका हौसला न टूटे, इसके जरूरी है कि उनकी बात लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। रिकॉर्डिंग बंद कर दे।